देख रहे हैं MPCG एक्सप्रेस और मैं आपके साथ हूं राजू दुबे। मध्य प्रदेश का एक ऐसा गांव जहां होती है रावण की पूजा। रावण का मध्य प्रदेश से गहरा नाता है। यहां भी दशहरे के अवसर पर कई जगहों पर पुतलों का दहन किया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के मंदसौर में रावण का दहन नहीं बल्कि उन्हें पूजा जाता है। जहां रावण का ससुराल है, रावण की यह प्रतिमा करीब 41 फीट ऊंची बनी हुई है, इसलिए इस इलाके के लोग उसे दामाद मानते हैं। रावण की ससुराल में आज भी बरसों से चली आ रही कई परंपराएं जीवित हैं। मंदसौर जिले में रावण का ससुराल माना जाता है। यहाँ दशहरे के दिन लोग रावण की पूजा करते हैं। शहर के खानपुरा में रावण की एक बड़ी प्रतिमा है, जहाँ पूजन के लिए नामदेव समाज के लोग आते हैं। माफीनामे के साथ हर वर्ष यहाँ रावण की पक्की बनी प्रतिमा का सांकेतिक वध करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका था। मंदसौर के वो पहले दशपुर के नाम से भी जाना जाता था। धागा बांधने से दूर होती है बीमारी, यही मान्यता है। यहाँ रावण के पैर में धागे बांधने से बीमारियाँ दूर होती हैं। इस गांव में लोग रावण को बाबा कहकर पूजते हैं। धागा दाहिन पैर में बांधा जाता है। साथ ही क्षेत्र की खुशहाली, समाज सहित शहर के लोगों को बीमारियों से दूर रखने एवं प्राकृतिक प्रकोप से बचाने के लिए प्रार्थना करते हुए पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा की विदंती है कि जो मंदसौर है वो रावण की ससुराल थी और मंदोदरी जो है वो यहीं की रहने वाली थी। तो इसी तारतम्य में यहाँ पर जो नामदेव समाज है वो इनकी जो है यहाँ पर अपने रिचुअल्स करते हैं, वो लोग पूजा वूजा करते हैं। साथ में अन्य और भी कई किंवदंतियाँ हैं कि यहाँ पर जो रावण की प्रतिमा है उस पर कुछ मन्नत का धागा वगैरह बांधने से जो बुखार की समस्या होती है वो दूर होती है, ऐसा कहा जाता है। तो हर दशहरे पर जो है यहाँ पर जो है वो उनकी पूजा अर्चना होती है। तो नगर पालिका जो है वो प्रतिवर्ष और बीच में भी जब भी आवश्यकता होती है हम रावण की जो प्रतिमा है उसका मेंटेनेंस करते हैं। अभी हम लोग जो हैं वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें उस पर रंगाई पुताई और मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है, ताकि यहाँ के लोग जो हैं वो अपनी जो है वो पूजा अर्चना कर सकें। के लोग हैं मंदसौर प्राचीन नगरी रही है, दसपुर के नाम से इसको जाना जाता है। और दसपुर की नगरी का संबंध मंदोदरी से पुराने समय से लोग मानते आ रहे हैं। मंदोदरी को मंदसौर शहर की बेटी मानते हैं, उसी निमित्त रावण महाराज को मंदसौर शहर का जमाई मानते हैं। और मालवा की परंपरा है कि जमाई का यहाँ पर मान सम्मान किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है, माता बहनें उनका घूंघट करती है और घूंघट लेकर उनका मान सम्मान यहाँ पर किया जाता है। चूँकि पूजा अर्चना वाली बात जो आप पूछ रहे हैं, इसमें पूजा जो होती है, चूँकि अच्छाइयों की सदैव पूजा होती है, यहाँ पर नामदेव समाज जो है सवेरे मुहूर्त में यहाँ पर पधारते हैं सभी लोग, समाज जन ढोल ढमाके के साथ हम लोग यहाँ पर आते हैं। सवेरे 10 बजे हम यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना करने के साथ में हम उनसे मंदसौर शहर की सुख समृद्धि की कामना भी करते हैं, क्योंकि रावण महाराज प्रकांड विद्वान पंडित थे। रसायन आयुर्वेद से संबंधित दसों दिशाओं का उनको बहुत सारा नॉलेज था, ज्ञान था, इसलिए उनकी पूजा अर्चना की जाती है। मंदसौर शहर की सुख समृद्धि की और किसी प्रकार का रोग नहीं रहे शहर में, इस बात की यहाँ पर हम मनोकामना लेकर आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। आप लोगों ने ये देखा होगा कि संपूर्ण विश्व में रावण दहन होता है, लेकिन केवल मंदसौर शहर एक ऐसा शहर है यहाँ पर रावण वध किया जाता है और रावण वध की परंपरा की जाती है। यहाँ पर हम अच्छाइयों की सवेरे पूजा करते हैं। देखिए आप कितनी सुंदर व्यवस्था है, सवेरे सवेरे अच्छाई बात है, गुण है, तो हम उसका मान सम्मान करेंगे, पूजा करेंगे। और यदि किसी प्रकार का मन में कोई विकार आ गया, दोष आ गया, बुराई आ गई, तो उस बुराई को हम हटाने में पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए सवेरे पूजा और शाम को रावण का वध। पहले पैर पर धागा भी बांधा जाता है, क्या मान्यता है कि हाँ हाँ ये जो आप देख रहे हैं दाहिने पैर पर जो लच्छा बंधा हुआ, जिसको लच्छा कहते हैं हम, कलावा कहते हैं, यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर आते हैं। सामान्य सी बात है कि एक बुखार होता है जिसको हम एकात्रा बुखार कहते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि व्यक्ति को एक दिन बुखार आ जाता है, दूसरे दिन ठीक हो जाता है, लेकिन तीसरे दिन फिर बुखार आ जाता है। तो यहाँ पर उस व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति है वो व्यक्ति यहाँ पर आए और उसके हाथ से यहाँ पर लच्छा उसके पाँव में बांध दिया जाता है।